अब दूसरा प्रोलॉग देखेंगे, उसी तरह का प्रोलॉग क्या है, sec 70 sin 20 माइनस cos 20 cosec 70 इक्वल टू 0। ठीक है, हम वो प्रूव कर रहे हैं, प्रूव है क्या कर रहे हैं, देखिए प्रूफ के लिए हमने एक चीज याद रखना है, प्रॉब्लम को चालू करना है LHS से, ये सॉल्व कर रहा है तो जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो RHS के फॉर्म में ही आना चाहिए, और एंड के अंदर में LHS इक्वल टू RHS लिखना भूलना नहीं है, अगर ये भूल गए आप मत तक हो जाएगा। तो जब भी ऐसा अगर प्रॉब्लम आए प्रूव दैट, शो दैट थिंग, प्रूव दैट, तो प्रॉब्लम को चालू करना है LHS से, और ये LHS से प्रॉब्लम आपको चालू रखना है, सॉल्व करना है, और जो RHS में जो आंसर दिया है, जो RHS में आंसर दिया है वो आंसर तक आपको डिराइव करना है, फिर आपको लिखना है LHS इक्वल टू RHS, वो आपके टीचर्स ने आपको बोला भी होगा, तो वो तो छोटी बात है। चलिए प्रॉब्लम इसको चालू करेंगे, क्वेश्चन है LHS इक्वल टू, सॉरी क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट sec 70 टू sin 20 माइनस cos 20 टू cosec 70 इक्वल टू 0। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में छान लेना है, पहचान लेना है कि ये जो क्वेश्चन है वो 90 माइनस थीटा है। देखो अब यहाँ पे आप देखो ये 70 है, ये 20 है, देखो अगर आप 90 में से 20 को माइनस करोगे तो 70 आ रहा है, उसी तरह आप 90 में से 20 को माइनस करोगे 70 आ रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम गारंटी 90 माइनस थीटा वाला, ये जो प्रॉब्लम है साइन कॉस के प्रॉब्लम है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम एक बार करने से नहीं आएंगे, वो आपको बार 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 प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए उसको हम करेंगे sec 70 sin 20 माइनस cos 20 इनटू cosec 70। अब इसमें भी क्या कर रहे हैं, वही फॉर्मेट है जैसे हम लोग ने वहां पे डिवीजन में देखा था, डिवीजन में हम लोग इसे इसके पहले के प्रॉब्लम हम लोग ने क्या किया था, एक को कांस्टेंट रखा था और दूसरे को चेंज किया था, उसी तरह हम लोग करेंगे यहाँ पे भी, एक को कांस्टेंट रखेंगे दूसरे को चेंज करेंगे। अब जैसे मैं इसको कांस्टेंट रखता हूं तो sec 70, लेकिन चेंज किसको करूंगा, साइन को कैसे, साइन, अब मैं 90 माइनस x करूंगा ना, तो आपको मैंने क्या बोला, दूसरा एंगल जो दूसरे फंक्शन का एंगल होगा वही आएगा 90 माइनस 70। देखो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, साइन है साइन है, यहाँ पे क्या है 20, 90 माइनस 70 की वैल्यू क्या है 20 है, ठीक है ना, उसी तरह हम लोग इसको चेंज cos 20 को पकड़ेंगे, इसको चेंज करेंगे cosec को, आप cos को भी चेंज कर सकते हो, कोई भी एक को चेंज करो एक को कांस्टेंट रखो cosec, अब ये 70 को कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 20, ये sec 70 का sec 70 sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो sin 90 माइनस 70 क्या हो जाएगा cos 70, उसी तरह cos 20 का cos 20, cosec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा, तो cosec 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा 20। सिंपल है, अब देखो याद करो पहली क्लास जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलास पढ़ाया था, मैंने बोला था कि sec जो है वो cos का इनवर्स होगा, तो sec 70 है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 cos 70, ये cos 70 का cos 70, याद करो फिर से फर्स्ट क्लास मैंने बोला था sin cos tan cosec sec cot, cosec किसके सामने आ रहा है sin के सामने, तो cosec है वो sin का उल्टा है, sec है वो cos का इनवर्स है, tan cot है वो tan का इनवर्स है, अब यहां पे sec है वो किसका इनवर्स है cos का, 1 by cos 2, ये cos cos कट ये cos cos कट, यहां पे आंसर क्या आएगा 1 into 1 1 जा minus 1 equal to 0, अब हमको क्या चाहिए equal to 0 ही चाहिए equal to what RHS, therefore tan हो गया LHS equal to